गाइस हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें 6 क्लूज को ढूंढने के लिए बोला गया है। ये क्या है? ब्रोकन हैंड कार्ट, इससे कुछ होता है क्या? अच्छा क्लू मिल रहा है यहाँ पर, देखते हैं और भी हमें क्लूज़ मिलने वाले हैं शायद। ये रहा यहाँ पर डाइनिंग टेबल, और ये रहा एक और ब्रोकन ग्राउंड, इससे भी क्लू ले लेते हैं। हमारे पास अभी 4 क्लूज़ हो चुका है, और ये रहा गुड सेल्फ, तो उसको भी लेते हैं। अब बस एक क्लू चाहिए, एक क्लू पता नहीं मुझे कहाँ पर मिलेगा, इसके अंदर मिल सकता है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक और क्लू मुझे कहाँ मिलेगा? वो शायद दिख रहा है, हाँ हमें 6 क्लू मिल चुका है। और यहाँ पर ये गेट शायद खुला है, लेफ्ट मुझे जाना है यहाँ पर, और ये शायद मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर मुझे कुछ मिलने वाला है। और ये क्या हुआ? ये तो मॉन्स्टर है, शायद मुझे यहाँ से भागना है ये पार्कोर करके। एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये इसे मैं मार सकता हूँ क्या? नहीं मार सकते हैं, तो यहाँ से निकलते। और ये क्या हुआ? शायद मैं नीचे गिर गया इसलिए मैं फिर से रिस्पॉन हो गया, मुझे इसको एक बार में करना होगा। देखते ही कुछ करता भी है। अरे यार ये क्या हुआ? और अभी अरे यार ये क्या हुआ? और मैं यहाँ पर फाइनली आ चुका हूँ, कहीं ये मॉन्स्टर यहाँ पर ना आ जाए। यहाँ पर एक टाउन लीडर है, इससे बात करके देखते हैं। A few moments later. मुझे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे यहाँ पर 2 जगह जाने के लिए ऑप्शन है, एक टेम्पल है और एक वेपन है। तो हम लोग पहले वेपन की तैयारी करते हैं, तो वेस्ट में हम लोग चलते हैं। कहाँ से वेस्ट जाना है? हाँ ये रहा, ये शायद मेज टाइप का दिख रहा है। Several days later. और ये फाइनली ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर ये रहा हंटर, इससे बात करते हैं। गाइस हमें एक फायर टिप्ड स्पीयर मिला है, जिससे हम लोग को ये सारे जो एनिमल्स दिख रहे हैं इनको मारना है, फिर इनके टीथ को लेना है, फिर इनसे कुछ ये वेपन्स बनाने वाला है। तो उसको मारते हैं और इसे देखते हैं, ये हॉस्टाइल नहीं है तो उसको जल्दी से मार मार कर। हाँ ये देखो, इसी टीथ के बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर कितने सारे हैं, शायद इतने में काम हो जाना चाहिए। एक हमें ब्रेड मिला है खाने के लिए। यहाँ पर ये क्या है? ये कॉइन है। और ये 9 हो गया, अब बस एक और ये भाग रहा है, इसको भी मारते हैं। और 10 हो चुका है। तो ये रहा हंटर, और हमें इसे सारा जितना भी बोर थी हमने कलेक्ट किया है उसको हमने इसको दे देना है। गाइज अभी यहाँ पर एक बोर का किंग आने वाला है, तो उसे हमें लड़ना है और देखते हैं वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। हमने फाइट पर क्लिक कर दिया है। ये कितने सारे एनिमल्स आ रहे हैं भाई, ऊपर से आते ही जा रहे हैं। मुझे इनसे फाइट करना होगा, और अपने जो हंटर है उसे मुझे बचाना है ताकि ये मेरे लिए वेपन बना सके। और ये कहाँ जा रहा है भाई? ये बोर का किंग, इसको पहले मारना पड़ेगा। अरे ये तो मुझे मारते ही जा रहा है भाई, इसको कैसे मारूं मैं? अरे भाई ये काफ़ी ज़्यादा नॉकबैक दे रहा है। और हमने फाइनली गाइस सारे उन छोटे छोटे बोर्स को हरा दिया है, और यहाँ पर शायद वो भी बड़ा वाला भी हार गया। और ये गाइस हमारा रहा वेपन, इसी से हम लोग शायद उस मॉब को मारने वाले हैं। मुझे फिर से जाना पड़ेगा टाउन लीडर से बात करने के लिए, तो यहाँ पर लेडर है, यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पर चला जाता हूँ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर टाउन लीडर तो यहीं आसपास था, ये रहा टाउन लीडर, इससे बात करते ये क्या बोलता है। तो टेंपल है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड की तरफ चलते हैं, सीधा हमें चलना है यहाँ से। देखते हैं हमें टेंपल में क्या मिलता है। ये रहा, हाँ ये रहा रास्ता, और मुझे यहाँ पर पार्कोर करना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ से पार्कोर करके निकलते हैं टेंपल की तरफ। यहाँ पर शायद काफ़ी ऊपर है, माउंटेन्स में है टेम्पल, और ये चेक पॉइंट्स है बीच बीच में जो हमें मिल रहा है, ताकि अगर हम गिरें और मरें तो फिर वापस से वहीं पर रिस्पॉन हो सकें। और यहाँ पर लेडर है, तो शायद हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हमें टाउन टेम्पल मिल चुका है, और ये बीकन है, और यहाँ पर है टेम्पल मास्टर। तो यहाँ पर मुझे इन बुक्स को पढ़ने के लिए बोला गया है, तो यहाँ ये बुक दिख रहा है, इसको लेते हैं और पढ़ कर देखते हैं क्या लिखा है। हाँ ऊपर सा है बुक एक, तो और बुक कहाँ पर है? और ये रहा, ये है बुक, एक और बुक है यहाँ पर। तो ये जो मॉन्स्टर है वो लाउड नॉइज़ और फायर क्रैकर से डरता है, तो उसी से हमें इसको मारना होगा। तो यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर से बात करने के बाद यहाँ पर मुझे फायरवर्क्स मिले हैं और लैंप्स मिला है। फिर से अब हम लोग टाउन के पास जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर टाउन में अब क्या। ये मॉन्स्टर यहाँ कहाँ से आ गया भाई? एक बार इसके ऊपर ये फायरवर्क बजा कर देखते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, इसे पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आ गया।
ओ हो, मैं यहाँ पर नीचे पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, इससे बच के मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। हम लोग गाइस आ चुके हैं टाउन और इससे बात करते हैं, हम लोग को शायद उससे लड़ना होगा। तो ये रहा हमारा ये मॉन्स्टर और मुझे इसे मारना पड़ेगा इस फायरवर्क्स की मदद से। तो अरे भाई भाई भाई, ये कहाँ आ गया? प्लेस 10 लैम्प्स ऑन द गोल्ड ब्लॉक्स। भाई ये क्या हो रहा है? मेरे इन्वेंट्री में शायद कुछ एक व्हील्स टाइप का कुछ था, यहाँ पर आते देखते हैं, उसको पहन कर देखते हैं। यहाँ पर एक विंड फायर व्हील्स, मुझे यहाँ पर स्पीड मिल चुका, जंप बूस्ट भी मुझे मिल चुका है। यहाँ पर लेडर है, यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर और यहाँ पर मुझे 10 लैम्प्स को कहीं लगाना है, देखते हैं कहाँ पर लगाते हैं। ये रहा शायद यहाँ पर मुझे वो लैम्प्स को लगाना है। तो ये तो कॉइन है, लैम्प कहाँ गया? हाँ ये रहा लैम्प। तो एक लैम्प हमने यहाँ लगा दिया और एक हमने यहाँ लगा दिया और आगे चलते हैं, और भी कोई जगह होगा। हाँ यहाँ पर लगाना है मुझे, ये कहाँ मैं नीचे आ गया। तो इसको यहाँ लगाते हैं, जहाँ जहाँ पर ये पार्टिकल्स दिख रहा है मुझे वहाँ पर लगाना है। तो ये एक लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है। अभी भी मेरे पास दो बचा हुआ है। यहाँ नीचे क्या है? ओ भाई भाई, ये क्या हुआ? ये तो मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है। मेरे पास ये फायरवर्क है, इससे इसको मार कर देखते हैं। हाँ इसे लग रहा है, एक बार मैं इस वेपन का यूज़ करके देखता हूँ उसे लगता है कि नहीं। हाँ हाँ नहीं, अभी तो नहीं लगा इससे फ़िलहाल। इसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा है भाई? यूज़ फायरवर्क्स टू हिट बैक नियान, एक बार और मार कर देखते हैं। इसी से इसको डैमेज हो रहा है, तो इसी से मारते हैं। पता नहीं है, मुझे मार के नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है सारा। ओ यहाँ पर ये मैच में उतर चुका है और ये मेरे ऊपर बढ़ते हुए भाई ये मुझे मारने वाला है। इसको इसी से मारते वेपन से, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो रहा है मेरे ऊपर। मेरे पास अभी 50 और है, देखते इतने में ये मरता है कि नहीं। अब इसका काफ़ी कम एचपी बचा हुआ है, बस थोड़ा सा मुझे अभी इसे मारना और ये मर जाने वाला। तो और ये अभी बड़ा नियान में बदल गया है और ये बिजली की वजह से मुझे बचना पड़ेगा, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। बस एक बार और हमारा गेम ख़त्म हो चुका है। मैंने इसे मार दिया गाइस और मैं जीत गया।